नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है विशाल निगम। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो, नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे चैनल पर बड़ी आसानी से आकर के हमारे वीडियो तक पहुंच सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज हम सीखेंगे हेक्सागन बनाना आर्क मेथड से। तो इस मेथड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक चाहिए ऐसा स्केल, एक कंपास और इसमें एक एक्स्ट्रा मैकेनिकल पेंसिल जो 0.5 की है, एक और ये पेंसिल एक्स्ट्रा जो 0.5 का इसका ही पॉइंट है, ये दो पेंसिल चाहिए, एक कंपास चाहिए, स्केल चाहिए और हमें एक चाहिए इरेजर। ठीक है तो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको हेक्सागन बनाना है आर्क मेथड से और साइड है 4 सेंटीमीटर की इसकी एक साइड दे रखी है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक अपने जो 4 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है इसको इस कंपास पे ट्रांसफ़र कर लेना है। किस तरीके से, ऐसे ऐसे मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। ट्रांसफ़र कर लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। फिर हमें क्या करना है, इसको एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे एक पॉइंट रखेंगे और एक ये सर्कल तैयार करेंगे। एक ये हमने सर्कल तैयार कर लिया, ये सर्कल तैयार कर लिया हमने। फिर हमने ये सर्कल तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, जिस रेडियस का हमने ये रेडियस जो इसमें हमने ट्रांसफ़र करी थी, जो उसी रेडियस से इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितने से ये हमने सर्कल खींचा है उसी से हमें क्या करना है, इसका जो ये पेरीमीटर है, परिधि है, इस पर कहीं पर भी पॉइंट लेना है और ये मेटल पॉइंट को रखना है और आर्क लगा देना है। ऐसे आर्क लगा देना है। जब हमने आर्क लगाया फिर क्या करना है, जो हम अगला पॉइंट रखेंगे उसको इसी आर्क के, जो हमने आर्क रखा है और जो परिधि को जिसने जहाँ पर जिस जगह पर काटा है, अगला पॉइंट जो हम लेंगे वो इसी पर बिल्कुल फिक्स करते हुए, इसी पॉइंट पर जहाँ हमने कट लगाया था उसी जगह से लेंगे, अगला आर्क लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से और भी आर्क लगाने हैं और सारे आर्क में हमें पॉइंट जो है मेटल पॉइंट वो बड़े ही संभाल के रखना है ताकि पॉइंट आगे पीछे ना हो, क्योंकि अगर ये आगे पीछे हो गया तो हो सकता है कि जो लास्ट वाली भुजा हो वो छोटी या बड़ी हो जाए, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। जैसा मैंने अभी जूम करके आपको दिखाया था बस उसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट रखें पॉइंट को और सर्कल को, 6 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्केल की हेल्प लेनी है। स्केल और जो हमने ये एक्स्ट्रा पेंसिल रख रखी थी, इन दोनों की हेल्प से अब हमें क्या करना है, इनके सारे पॉइंट को आपस में मिला देना है, सारे साइडों को आपस में मिला देंगे, इन सभी को मिलाते जाएंगे। इसमें हमारा पूरा हेल्प आर्क की, आर्क ने ही किया है, इसलिए इस मेथड को हम लोग आर्क मेथड ही कहते हैं, हेक्सागन बाय आर्क मेथड, क्योंकि हम यहाँ पर जो हेक्सागन तैयार कर रहे हैं वो आर्क मेथड से तैयार हो रहा है आर्क की हेल्प से, इसलिए इसका नाम आर्क मेथड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में जो मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। अब हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंटों को मिलाते जाना है, फटाफट मिला देंगे हम इन सारे पॉइंटों को इस तरीके से और हमारा हेक्सागन बड़ी आसानी से तैयार हो गया। तो आई थिंक ये सबसे सिंपल मेथड है हेक्सागन बनाने के लिए। चलिए इनको नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये तैयार हो गया हमारा हेक्सागन। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस लाता रहूं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।